मैं आज बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आती है। ये सब्ज़ी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 टमाटर, 3 हरी मिर्च, 1 बड़ा साइज का प्याज और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। यहाँ पे अदरक, लहसुन और प्याज को पीस लेंगे अलग, हरी मिर्च और टमाटर को अलग पीस लेंगे। ये दोनों पीस चुके हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा, हींग और नमक। मैं कढ़ाई को गरम करूंगी, सरसों का तेल डालूंगी, 3 बड़े चम्मच तेल डालूंगी और उसके बाद मैं जीरा डालूंगी। जीरा तड़कने लगे तो उसमें डाल देंगे हम जो पिसा हुआ प्याज था, उसको डाल देंगे। फिर यहाँ पे प्याज को 2 मिनट तक भून लेंगे। प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ टमाटर, टमाटर पिसा हुआ टमाटर इसमें डाल देंगे और इसको भी 2 मिनट तक हम यहाँ पर भून लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर डालेंगे 1 पिंच के करीब हींग और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके इन्हें हम ढक देंगे भुनने के लिए। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देती हूँ कि क्यों नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, चलाने में जितना समय जाता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मसाला इधर आप देख रहे हैं पक रहा है, तो मसाला पक चुका है। यहाँ पे मैं डालूँगी 1 चम्मच नमक, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाला अच्छे से अब भुन चुका है। आप देखेंगे कि जो कढ़ाई में किनारे किनारे तेल आपको दिख रहा है, यानी कि मसाला अच्छे से भुन चुका है, जो मसाला है वो तेल को छोड़ चुका है। अब हम इसमें कटा हुआ आलू डाल देंगे और आलू को अच्छे से मिक्स करके इसको ढक करके 3 से 4 मिनट तक स्लो आँच पर पकाएँगे। मैं मटर अभी इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि जब साथ में आलू और मटर डाल तो मटर ज़्यादा पक जाता है, गल जाता है एकदम से, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अब मैं खोल के चेक करूँगी तो आलू थोड़ा सा पक चुका है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे और मिक्स करके 1 मिनट तक मटर के साथ सभी को ढक करके रख देंगे पकने के लिए। फ्रेश मटर है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो फ्रोजन मटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी सर्दियों का मौसम है तो फ्रेश मटर तो आराम से मार्केट में मिल ही जाता है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा बाउल पानी इस्तेमाल कर रही हूँ और मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको हम ढक करके 4 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैं और डाल देती हूँ, 4 मिनट तक सब्जी को पकाना मीडियम टू हाई फ्लेम पे। सब्जी हमारी पक चुकी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर और टेक्सचर सब्जी का आया हुआ है। कलर आप देख सकते हैं, ये लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल।